गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है ऑप्टिकल सोर्सेज। ऑप्टिकल सोर्सेज क्या होते हैं? तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है वो ऑप्टिकल सोर्स कहलाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिवाइस हैं जैसे कि लैम्प हुआ, ठीक है, लैम्प भी क्या कर रहा है, ऐसा एक लाइट सोर्स है, ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में बदल रहा है। लेकिन सभी लाइट सोर्स को हम ऑप्टिकल सोर्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी हैं। वो प्रॉपर्टीज़ आप अभी पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल सोर्स वो होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेकिन सभी लाइट सोर्स ऑप्टिकल सोर्स नहीं होते हैं। ऑप्टिकल सोर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होना आवश्यक हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? वेवलेंथ। ऑप्टिकल सोर्स की जो वेवलेंथ होती है वो 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर बैंड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उनकी वेवलेंथ इन बैंड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रल विड्थ। इसकी स्पेक्ट्रल विड्थ जो होती है वो कम होनी चाहिए, मतलब कि जो लाइट का फैलाव है वो ज़्यादा ना हो। जैसे हमारी बल्ब की रोशनी होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन जो लेज़र बीम होती है वो एक डायरेक्शन में रहती है, पॉइंट में। तो इसलिए कोई भी ऐसी डिवाइस ना हो जिसमें मतलब फैलाव हो, उसकी स्पेक्ट्रल विड्थ ज़्यादा हो, उसकी स्पेक्ट्रल विड्थ कम होनी चाहिए। दूसरी है कॉलीमेटेड लाइट। ऑप्टिकल सोर्स से निकली लाइट कॉलीमेटेड होनी चाहिए ताकि उसको ऑप्टिकल फाइबर से जो कपलिंग करें वो फाइन हो। इसका मतलब ये है कि जब हम ऑप्टिकल सोर्स को कहाँ लगाते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर के एक सिरे पर लगाते हैं उसमें लाइट को डालने के लिए, ठीक है। तो उसकी लाइट जो है वो कॉलीमेटेड होनी चाहिए। अगर कॉलीमेटेड नहीं होगी, यानी कि उसका फोकस होना चाहिए एक बीम की तरह, जैसे लेज़र का होता है, अगर वो कॉलीमेटेड नहीं होगी तो उसकी कपलिंग फाइन नहीं होगी, वो फैल जाएगी उसकी लाइट बाहर की तरफ। दूसरा नेक्स्ट क्या है? मॉड्यूलेशन। ऑप्टिकल सोर्स ऐसा हो जिसे आसानी से मॉड्यूलेट किया जा सके, जिसमें मॉड्यूलेशन की हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको पता है कि मॉड्यूलेशन करना पड़ता है सिग्नल का। तो ऐसा हो कि उसमें उसे मॉड्यूलेट आसानी से किया जा सके। फिर नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। ये जो है रफ़ टफ और रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि हम ऑप्टिकल सोर्स को ऑप्टिकल फाइबर के साथ यूज़ कर रहे हैं। और ऑप्टिकल फाइबर हमारा कहाँ, ज़मीन के अंदर भी यूज़ हो सकता है, काफ़ी किलोमीटर मतलब नीचे गहराई में, पानी के अंदर भी यूज़ हो सकता है। तो ऑप्टिकल सोर्स भी हमारा रफ़ टफ और रिलायबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ज़मीन के अंदर तो ऑप्टिकल सोर्स ही टूट जाए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब ऑप्टिकल सोर्स पढ़ते हैं कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं बेसिकली, ये दो तरह के डिवाइड किए गए हैं, गैस सोर्स और सेमीकंडक्टर सोर्स, ठीक है। तो गैस सोर्स क्या होते हैं? जिनसे निकली लाइट की स्पेक्ट्रल विड्थ तो कम होती है किंतु ये तथा ये डायरेक्शनल होते हैं, किंतु ये ऑप्टिकल फाइबर से कपल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे तो इसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, इसकी स्पेक्ट्रल विड्थ भी कम है जो हमें चाहिए थी, ये डायरेक्शनल भी है, लेकिन ये कपल नहीं हो पा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर से। अगर कपल नहीं होंगे, कपल का मतलब ये है कि ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ना, उसके एक सिरे को, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर एक मतलब ऑप्टिकल फाइबर एक पाइप की तरह होता है, तो पाइप के एक सिरे पर हम ऑप्टिकल सोर्स लगाते हैं और दूसरे सिरे पर हम ऑप्टिकल डिटेक्टर लगाते हैं। तो उसको कपल करना इतना ज़रूरी है कि लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आसानी से नहीं हो रहे हैं कपल, तो ये यूज़ में नहीं आते। एग्जांपल है गैस लेज़र, उसको हम नहीं यूज़ करते। दूसरी तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर सोर्स। इनकी स्पेक्ट्रल विड्थ ज़्यादा होती है, डायरेक्टिविटी कम होती है, पावर भी कम होती है, आउटपुट पावर, लेकिन फिर भी ये यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये आसानी से कपल किए जा सकते हैं, मतलब कपल होना आसानी से वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो तरह के हैं, डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर कैसे बताएंगे? डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है उसका मिनिमम एनर्जी लेवल और जो वैलेंस बैंड होता है उसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल दोनों मोमेंटम के एक ही मान पर होते हैं। आप जैसे डायग्राम देखो, आप इस डायग्राम में
दो बैंड दिख रही है, वीबी वैलेंस बैंड, सीबी कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड का जो कौन सा मिनिमम एनर्जी लेवल, जहाँ गहराई है मिनिमम लेवल है, और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल, दोनों मोमेंटम के एक ही मान पर बराबर हैं। ठीक है, ये हम दिखा रहे हैं एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ से। जब इसमें क्या होगा, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होगा, तो जो इनके बीच में गैप होगा, किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होगा, उसके बराबर फोटोन्स निकलेंगे। यह डायरेक्ट रिकम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इस रिकम्बिनेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी जो है फोटोन्स के रूप में डिसिपिएट हो रही है, इसलिए इस रिकम्बिनेशन को रेडिएटिव रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। रिकम्बिनेशन से पहले माइनॉरिटी कैरियर जितने समय के लिए फ्री स्टेट में रहते हैं, उसको माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम कहते हैं। ठीक है, जो हमारा रिकम्बिनेशन होने से पहले उस टाइम पे ये हमारे फ्री स्टेट में रहते हैं, तो वो हमारा जितने टाइम के लिए रह रहे हैं वो माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम कहलाता है। इसकी जो वैल्यू होती है 10^-8 से 10^-10 सेकेंड होती है। तो डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर के जो एग्जांपल हैं वो ये हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एंटीमनी, इंडियम आर्सेनाइड। ठीक है, अब है इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। इसमें क्या अंतर होगा, उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्टली हमारा रिकम्बिनेशन हो रहा था। इसमें आप देखोगे कि जो वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा और कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी लेवल होगा, वो दोनों मोमेंटम के अलग अलग वैल्यू पर होंगे। उसमें एक ही वैल्यू पर थे लेकिन इसमें अलग अलग वैल्यू पर होंगे, इसलिए इसमें डायरेक्ट रिकम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। रिकम्बिनेशन होने के लिए पहले इसमें क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम को, इलेक्ट्रॉन को इतना मोमेंटम खोना पड़ेगा ताकि वो उसके मैक्सिमा के इक्वल हो जाए। मतलब उसको पहले अपना मोमेंटम उतना खोना पड़ेगा, कंजर्वेशन मतलब इक्वल करना पड़ेगा। और यहाँ पर फोटोन का एब्जॉर्प्शन तथा एमिशन दोनों ही आवश्यक है, इसके लिए अलग से फोटोन ऐड किया जाता है। तो उस फोटोन को प्रोसेस में ऐड कर देते हैं, अब तीनों रिकम्बिनेशन में शामिल हो जाते हैं, इसलिए एक स्लो प्रोसेस हो जाता है इनडायरेक्ट वाला। और इसका जो टाइम था जो फ्री लेवल में रहता है, वो 10^-2 से 10^-4 सेकेंड होता है। इसमें जो एनर्जी होती है वो लैटिस वाइब्रेशन और एनर्जी के रूप में निकलती है, इसलिए इसे नॉन रेडिएटिव कहा जाता है, जबकि हमारा डायरेक्ट ऐसा था, रेडिएटिव था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम फास्फाइड, ये सब। ओके, थैंक यू।